मोदी जी ने भी कहा है ना, मोदी जी ने भी बुलाया है, बाला साहब ठाकरे ने अपने लिए ये जो व्यवसाय है वड़ा पाव का बनाया। बराबर, क्या कुछ तो करो। पूरा तो वहाँ से ना बाला साहब ठाकरे ने की सभी। क्या बात है, ये बात आपने एकदम अंके के चोट पे कही। क्या किया तो शुरुआत बाला साहब ठाकरे जी ने किया। मराठी माणसाने काही करायला पाहिजे। कुछ भी करो, चाहे वड़ा पाव बेचो, ठेला लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मराठी माणूस ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मराठी माणूस ने करना चाहिए, बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। दोस्तों, खाने का शौकीन तो आपको हर टाइम कहीं ना कहीं वड़ा पाव, ब्रेड वड़ा या पाव वड़ा, जम्बो वड़ा दिखाता है, लेकिन आज हम जलगांव में ये महाराष्ट्र फूड सीरीज को अलग ही ढंग से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ये आपको दिख रहे, ये साई प्रसाद वड़ा पाव, और यहाँ पे ये जलगांव में वड़ा पाव और ये पाव वड़ा या ब्रेड वड़ा बिल्कुल अलग थलग बनाते हैं। वड़ा इतना जंबो साइज में यहाँ पे बनाते हैं, इनकी जो बनाने की क्वालिटी होती है वड़ा पाव की, वो भी अलग अलग होती है। तो ऐसा क्या ये अलग करते हैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, ये आपको दिखाते हैं। और ये लगातार दोनों मिलके हस्बैंड और वाइफ महाराष्ट्रीयन महिला, ये लगातार 15 साल से इसी जगह पे ये वड़ा पाव और ब्रेड वड़ा चला रही है। और आपको इसका सेटअप दिखाते, देखिए ये सेटअप कैसा लगाया इन्होंने, जोशी साहब ने। देखिए ये पूरा ऑटो रिक्शा पे इनका ये यहाँ पे लगाया है, ये डेली ये घर से ये सेटअप लेकर आते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैडम, जैसे अभी जोशी साहब ने बताया कि आपको 15 साल हुए, तो 15 साल से आप दोनों जुड़ी यहाँ पे वर्क कर रही है? दोनों साथ में ये 15 साल से। क्या बात है, तो ये जोशी साहब के आप लाइफ पार्टनर तो हुई, अभी बिजनेस पार्टनर भी आप बन गए। 15 साल से आप लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का रोल निभा रही है। हाँ। क्या बात है, तो आप इनको हेल्प करती है कुछ बनाने में वगैरह? ऐसे घर पे बनाते हैं, सब घर पे। अच्छा, जो ये रॉ मटेरियल, हां रॉ मटेरियल घर पे बनाते हैं, सुबह से सब बनाते हैं, हम घर पे बनाते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल बनाने की जिम्मेदारी आपकी? अच्छा, उसके बाद ये जोशी साहब यहाँ के ये फेवरेट। क्या बात, काउंटर संभालना। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। देखिए अभी अपनी महाराष्ट्रीयन महिला भी पीछे नहीं है। क्या बनने जा रहा है भाई? वड़ा पाव। वड़ा पाव, और ये आपने जैसे लिखा है जंबो वड़ा पाव और जंबो ब्रेड वड़ा, तो ये जंबो वड़ा पाव वगैरह हमने तो सुना था, लेकिन आपका ये जंबो ब्रेड वड़ा ये पहली बार हम देख रहे हैं जलगांव में। साइज बड़ी है उसकी, साइज बड़ी है, वो भी बना के दिखाएंगे आप। क्या बात है दादा, तो अभी आपका ये जंबो वड़ा पाव बना रहे। नाम क्या आपका वैसे दादा? संतोष जोशी। संतोष जोशी, जलगांव से हो? जलगांव से। तो दादा, ये कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हो? 15 साल हुए। देखिए, और दादा का स्टॉल भी देखिए कितना बढ़िया सा, पूरा नीट एंड क्लीन, साफ सफाई का कितना ही दादा ने यहाँ पे ख्याल रखा है। आराम से कस्टमर आके यहाँ वड़े का उसका लुत्फ उठा रहे। और संतोष दादा की चटनियाँ भी का बहुत फेमस है यहाँ पे। हाँ, दो तीन टाइप का ये संतोष दादा चटनी भी देते हैं वड़ा के साथ। क्या बनाते हो इसे? वड़ा पाव बनाते हैं, मूंग पकौड़ा बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, समोसा, इतना सब आइटम आप बना लेते हो? और जैसे भी आप कस्टमर आता है तो आप फ्रेश फ्रेश बनाते हैं, गरम गरम कर लेते हैं, गरम ही देते हैं। अच्छा, और कितने बजे से अपना शॉप लगता है संतोष दादा? ये 4 बजे लगता है। कितने बजे तक चलता है? 9 बजे तक। और तीनों की प्राइस अलग अलग है, एक ही है? एक ही है। और इतना सब देने के बाद तो जलगांव करके कोई भी आपके दीवाने हो जाएंगे। दादा, शायद आपने चटनी वापस ली ना, दोबारा चटनी ली ना? कौन सा वाला चटनी फेवरेट है आपका यहाँ पे? ये तो हरी चटनी है ये। अच्छा, पुदीना और मिर्ची वाला? पुदीना और मिर्ची वाला। क्या बात है दादा, और आपका? दोनों। आपने भी चटनी का लुक उठाया, मजा लिया। आप शायद राजस्थान से दिख रहे हो मुझे? राजस्थान से। अरे क्या बात, क्या बोल रहे दादा? मुंबई पुणे तक लेके जाते पार्सल। अच्छा, मुंबई पुणे तक जाता है आपका वड़ा? पार्सल लेके, पार्सल जाता है। हाँ दादा, अभी क्या ब्रेड वाला आपका जंबो वाला, ये तो इसको क्या आपने पहले से कटिंग वगैरह करके रखा है क्या? बीच में क्या लगाया आपने? सब्जी लगाते हैं। बता दो एक बार खोल के। इसको लगा देंगे। अच्छा, लगा दो, लगा के दिखा दो। देखिए ये दादा ने अभी ये ब्रेड का पैकेट खोला, और ब्रेड भी देखिए आप, पूरा एकदम फ्रेश बढ़िया सा ब्रेड, वो भी जंबो साइज में। यही तो ये जोशी साहब की स्पेशलिटी है, ये फ्रेश खाएंगे, फ्रेश खिलाएंगे। देखिए अभी ये ब्रेड कट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरा हम पहले इसको प्रिपरेशन करना है चटनी का, आलू का उसका चटनी है ना ये?
है। अभी इसको क्या कटिंग करेंगे, देखिए कितना बिग साइज का इन्होंने ये ब्रेड लिया है। अब इसको ये कट लगा रहे हैं, ये हो गया। तो दोस्तों भीड़ देखिए, लगातार ये भीड़ इनकी बढ़ती जा रही कस्टमर की, देखिए। चलो इसको अभी क्या बेसन आटा आपका रेडी किया है, हाँ इसमें डीप करके आप फ्राई करेंगे आप, क्या बात है। देखिए ऑयल ऑयल हम हर 4 दिन में ऑयल चेंज करते हैं। अच्छा इनका डेली ऑयल चेंज होता है, देखिए क्या बात है, वाह ऑयल भी इनका डेली चेंज होता है। देखिए बूढ़े बच्चे जेंट्स लेडीज यहाँ पे सभी आ रहे हैं, माताएं बंधु भगिनी सभी आ रहे हैं इनके बड़े का ये लुक उठाने। दादा यहाँ का एड्रेस क्या है बता दो एक बार। महाबड़, हाँ हाँ भगवती सीट के सामने, ये महाबड़ एरिया है। अच्छा महाबड़ वाला एरिया। जो ऑटो है आप डेली घर से लेकर आते हैं क्या? घर से लेकर। अच्छा ये पूरा डेली आप ये इसी सेटअप यहाँ से लेकर आते हैं पूरा? देखिए पूरा ऑटो का सेटअप डेली यहाँ से लाते हैं और लेकर जाते हैं। देखिए इनका ये मूंग भजिया बनाने का स्टाइल देखिए, क्या बात है दादा, वाह डायरेक्टली इसमें ये नीचे प्रेस कर रहे तो नीचे गिर रहे हैं, थोड़ा ऊपर पकड़िए। देखिए इनका ये मूंग भजिया बनाने का स्टाइल भी देखिए, फटाफट रेडी। ये पूरा गोल साइज में निकलता है जोशी साहब ये, हाँ वाह क्वालिटी चांगली है। अच्छा हाँ क्वालिटी है म्हणून तो गर्दी इधर, अगर क्वालिटी नहीं रहती जूसी साहब की तो यहाँ भीड़ भी तो नहीं दिखती। इसको ऐसा कट लगाना होता है क्या भैया? अच्छा और ये कौन सी चटनी डाल रहे हैं आप अभी? कटाई। और ये साइड चटनी सिंगदाना? सिंगदाना चटनी। अच्छा जीरा चटनी, साथ में मिर्ची भी देते हो? वाला कौन सा चटनी डाला आपने? लहसुन चटनी। लहसुन चटनी, अच्छा सूखा वाला चटनी।